शहद, जिसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, आज से सैकड़ों साल पहले से इंसान इसे इस्तेमाल करता आ रहा है। अपनी कुदरती बनावट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों की वजह से शहद बहुत ही उत्तम चीज है। शहद कैंसर और दिल की बीमारियों से भी बचाता है, पेट की बीमारियों के लिए अति उत्तम और खांसी जुकाम के लिए रामबाण है। सुंदरता बढ़ाने के लिए भी शहद का इस्तेमाल होता है, लेकिन शहद का शुद्ध और मिलावट रहित होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है इसकी कुदरती बनावट से लेकर पैकेजिंग तक का ख्याल रखना। और यही काम अब मार्क फेड ने बखूबी कर दिखाया है और लगाया है एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोसेसिंग प्लांट, ताकि विदेशी मशीनों की गुणवत्ता अब ग्राहकों को देश में ही दी जा सके। सबसे पहले बी कीपर्स के पास से इकट्ठे किए गए शहद के सैंपल्स लिए जाते हैं, ताकि शहद की कुल मात्रा में से थोड़ा थोड़ा शहद सभी बकेट्स में से इकट्ठा किया जा सके। और ये सैंपल्स भी एक खास टेक्निक के साथ लिए जाते हैं, और ये काम मार्क फेड के माहिर स्टाफ द्वारा किया जाता है। सैंपल लेने के बाद एक आधुनिक बार कोडिंग मशीन के साथ सैंपल जार और शहद के स्टॉक को सील किया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कौन सा सैंपल किस स्टॉक का है। फिर ये सैंपल्स लैब में पहुंचते हैं। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों से इनकी जांच की जाती है। जांच के बाद गुणवत्ता में बढ़िया, मिलावट रहित और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरने वाले सैंपल्स ही पास होते हैं। सैंपल्स की खास जांच के लिए कुछ टेस्ट PBTI मोहाली और इंटरटेक जर्मन अप्रूव्ड लैब दिल्ली से भी करवाए जाते हैं। फेल सैंपल वाले स्टॉक को रिजेक्ट कर दिया जाता है और पास होने वाले सैंपल्स के स्टॉक को प्लांट में भेजा जाता है। प्लांट में आए शहद की एक बार फिर से बार कोड टेस्टिंग होती है, ताकि पास हुए सैंपल्स ही प्रोसेसिंग के लिए आगे जाएं। टेस्टिंग के बाद शुरू होती है शहद की प्रोसेसिंग, जिसमें सबसे पहले शहद को हीट अप करने के लिए डी क्रिस्टलाइजर मशीन में डाला जाता है, जिसमें दो अलग अलग चेम्बर्स में 4000 किलो शहद डाला जाता है। एक खास तापमान पर हीट अप होने के बाद शहद अगले चरण में पहुंचता है। यहां शहद को अलग अलग फिल्टर्स और इवेपोरेटर मशीन में से गुजरना पड़ता है। इसके बाद शहद को एक सार करके पैकेजिंग यूनिट की ओर भेजा जाता है। प्रोसेसिंग से लेकर पैकेजिंग तक का ये सारा काम मार्क फेड के माहिरों की देखरेख में ऑटोमेटेड मशीन के साथ होता है। इसमें किसी भी तरह का इंसानी हाथ इन्वॉल्व नहीं होता, ताकि किसी भी स्तर पर किसी भी किस्म की अडल्टरेशन ना हो सके। आखिर में ये प्रोसेस्ड शहद स्टरलाइज्ड जार में मशीनों द्वारा भरा जाता है। ऑटोमेटिक मशीन्स ही इन जार्स को ढक्कन लगाती हैं, लेबलिंग करती हैं और सील कर देती हैं। इस तरह से मार्क फेड की तरफ से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने वाला शहद अपने ब्रांड नेम सोना हनी के नाम पर ग्राहकों के लिए पेश किया जाता है। इस तरह से तैयार हुए शहद को अपने ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए मार्क फेड के पास व्यापक प्रबंध हैं, ताकि फार्म से लेकर डाइनिंग टेबल तक पहुंचने वाले प्रोडक्ट में स्वाद, गुणवत्ता और विश्वास की कमी ना आए। यही एक्सपोर्ट क्वालिटी शहद मार्क फेड अपने अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए भी भेजता है। मार्क फेड में हमने ये इंश्योर किया है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक हम टेस्टिंग करें कि इसमें आर्टिफिशियल शुगर ऐड की गई है कि नहीं। जो आर्टिफिशियल शुगर की टेस्टिंग है, एक बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है। आज से कुछ साल पहले सिर्फ जर्मनी में ये टेस्ट होता था, अब सिर्फ एक या दो लैब्स हिंदुस्तान में हैं जो ये टेस्ट करती हैं, और हम इंश्योर करते हैं कि हमारा हर एक सैंपल जो है वो इस टेस्ट के थ्रू निकल के ही कस्टमर तक पहुंचे। नेचुरल एंड प्योर हनी, मार्क फेड सोना हनी।